हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये वाला तोरण डिजाइन बना के दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, देखने में ये बहुत सुंदर डिजाइन है और बनाने में उतना ही आसान है। तो चलिए, इसकी स्टार्टिंग हम तोरण पट्टी से करेंगे। पहले तोरण पट्टी बताएंगे हमने किस तरह से बनाई है, उसके बाद हम डिजाइन बताएंगे और लास्ट में पूरा बनने के बाद हम फिनिशिंग कर लेंगे इसकी। तोरण पट्टी के लिए 12 चेन लेंगे, 12 चेन से स्टार्ट करेंगे। 12 चेन पर 10 डबल क्रोशिया बनेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। स्टार्टिंग की 2 चेन छोड़ के थर्ड में डालना है और फिर हर एक चेन पर बनाएंगे तो 10 डबल क्रोशिया बन के तैयार हो जाएंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए, ये हर एक चेन पर बनाएंगे। दस डबल क्रोशिया बन गए हैं। 3 चेन ले लेनी है नेक्स्ट राउंड के लिए। अभी यहाँ पर मैं एक डबल क्रोशिया और बनाऊंगी तो ये चेन वाला देखिए 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे स्टार्टिंग में। उसके बाद एक चेन लेनी है और अब काउंट कर लेंगे। लास्ट के लिए 2 डबल क्रोशिया रखेंगे, बाकी बचे हुए का हाफ कर लेंगे तो 6 बचे हैं बीच में। तो बीच वाला जो है उसमें डाल लेना है। यहाँ पर मैं 6 डबल क्रोशिया बनाऊंगी बीच में 2 चेन लेके, 2, 3 और 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। 2 और ये 3, तो 6 डबल क्रोशिया सेम जगह पे बना लेने। उसके बाद फिर एक चेन लेंगे और लास्ट के 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से काउंट करके बनाने तो तोड़ पट्टी सही आएगी एकदम। 3 चेन और दूसरा डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे और जो बीच में 2 चेन ली है यहाँ पर आप 1 या 2 चेन ले सकते हैं बीच में। यहाँ पर वापस से 6 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें जितनी लेंथ चाहिए तोरण पट्टी की उसी हिसाब से कंटिन्यू बनाते जाएंगे सेम डिजाइन। और लास्ट में फिनिशिंग कर लेंगे तोरण पट्टी की। ये ऑप्शनल है, करना चाहे तो ठीक है, नहीं एक कलर में भी रख सकते हैं। एक चेन और लास्ट के 2 डबल क्रोशिया। तीन चेन नेक्स्ट राउंड के लिए। ये देखिए, इसी तरह से 2 बनाने फिर बीच में डाल लेने 6 डबल क्रोशिया और कंटिन्यू बना लेंगे। तोड़ पट्टी हमारी बनके तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, इसी तरह से ये मैंने बना के तैयार कर लिए और मैंने नीचे की साइड डिजाइन बना रही हूँ, उधर उधर फिनिशिंग करी है इसकी। आप चाहें तो ऊपर की साइड भी कर सकते हैं। इस तरह से तोड़ पट्टी तैयार कर लेनी है। अब हम डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। डिजाइन के लिए मैं यहाँ से काउंट कर लूँगी, इतना पार्ट हमें छोड़ना है और इसके बराबर यहाँ तक इतना पार्ट हमें छोड़ के नेक्स्ट में डालना है। स्टार्टिंग में हम अंदाजे छोड़ेंगे, जो दिमाग में रहेगा कि भई हमें ये डिजाइन बनाना है, इतनी जगह इस डिजाइन के लिए स्टार्टिंग में चाहिए, उस हिसाब से हमने छोड़ देना है। उसके बाद हम बराबर बराबर काउंट करके नेक्स्ट पेटल के लिए डालते जाएंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जितना गैप है ये मैं काउंट कर लूँगी। ये मैंने तोड़ पट्टी की फिनिशिंग का 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 छोड़ देने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ डाल लूँगी मैं। यहाँ से हम दूसरी पेटल स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ
यहाँ पर मैं 6 चेन लूंगी। इस तरह से बांध लेंगे और फिर 6 चेन लेनी है। और थोड़ा सा गैप छोड़ देना है अंदाजे से, जितना पहले वाले में छोड़ा है, या स्टार्टिंग में भी बनाते हैं तो थोड़ा सा अंदाजे से छोड़ देना है, इतना काफ़ी है। अभी मैं यहाँ 2 चेन लेके और नेक्स्ट मैं यहाँ पर बीच में बांधूंगी। इसमें मैं ज़्यादा बढ़ाऊंगी नहीं तो चौड़ी पेटल बनेगी, नहीं तो इस तरह से बांध लेना है। अब इसमें मैं 16, एक तो ये वाला हो गया, 15 डबल क्रोशिया और बनाऊंगी, इसके साथ में 16 होने चाहिए टोटल, तो 15 और बनाने हैं। दो छः, 15 और ये 16, इस तरह से काउंट करके 16 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। और जितना गैप इधर रखा है उसी अंदाजे से इधर भी रख लेंगे और बांध लेंगे। गैप मैं अंदाजे से छोड़ रही हूँ ताकि पेटल ज़्यादा चौड़ी भी नहीं हो और फैले नहीं ज़्यादा, और नीचे की साइड लंबाई ज़्यादा बने, इसलिए मैं 2 चेन ही ले रही हूँ बीच में, इधर की साइड जो ली है बांधने के लिए। फिर 2 चेन लेंगे, यहाँ बांध लेंगे, थोड़ा सा गैप छोड़ के बराबर सा, जो हमने इसके लिए गैप छोड़ा है इतना ही इधर बराबर बराबर होना चाहिए। फिर 1 चेन ली मैंने और अब मैं ट्रिपल क्रोशिया ले रही हूँ इस राउंड में, और यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे पहली वाली से। ठीक, फिर 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया पे बना लेना है ट्रिपल क्रोशिया, और ऊपर की साइड चेन लेनी इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से ये 16 बना लिए हैं ट्रिपल क्रोशिया में, और यहाँ पर बांध लिया है, इसके बराबर ही गैप छोड़ना है। हर एक राउंड में ये गैप हम बराबर बराबर रखेंगे। अब यहाँ पर मैं चेन लूँगी 4, चार चेन लेनी है, और यहाँ से शुरू किया चेन लेना, इसमें ये 2 छोड़ देने, थर्ड में बांधना है, मतलब इसके 5 पार्ट करने हैं हमें। फिर 4 चेन, अगर खिंची हुई लगे तो आप 5 चेन भी ले सकते हैं। फिर 2 छोड़ देंगे बीच में, फिर 4 चेन, दो बीच में छोड़ के थर्ड में बांध लेना है इस तरह से। इसके 5 पार्ट हो जाएंगे, उसके बाद कलर चेंज कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये 5 पार्ट इसके हो जाने चाहिए, बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं रखना है और बहुत टाइट भी नहीं करना है। तो ये इसके 5 पार्ट कर लिए मैंने, अब कलर चेंज कर लेंगे। यहाँ से एक स्टार्ट करेंगे,
जो पांच पार्ट हमने किए हैं, एक चेन लेके और उसमें डालना शुरू करेंगे, ये वाला पहले वाला। तो इसमें मैं 6 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, बीच में 2 चेन लेके, एक हो गया, 2, 3, बीच में 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। तीन, फिर एक चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट में जाएंगे, सेम ऐसे ही पांचों पार्ट ऐसे ही बना लेने हैं सेम। फिर 2 चेन, इसमें चाहे तो एक चेन भी ले सकते हैं, बीच में 2 चेन भी ले सकते हैं। तीन, फिर चेन, फिर नेक्स्ट में बना लेंगे, तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से ये 6 6 डबल क्रोशिया बना लेने और लास्ट में बराबर सेम इनके जितना गैप है इतना इतना छोड़ के बांध लेना है। मैंने वापस 2 चेन लेके बांध लिया है और अब मैं यहाँ पर 2 चेन लूँगी, ऐसे भी 2 चेन और ऐसे भी, और अब मैं 1 डबल क्रोशिया छोड़ दूंगी, ये वाला सेकंड में डालना है। दो, और दो ही बीच में बनाएंगे, तो ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर 2 चेन, 2 चेन लेके वापस बीच में 2 बनाने, फिर 2 बना लेंगे, ये इधर वाले एक छोड़ देंगे 3 में से। पहले एक चेन ली थी, अब हम 2 चेन लेंगे। इस तरह से हर एक राउंड में चेन बढ़ाते जाएंगे, एक छोड़ेंगे, दूसरे में डालना है 2 चेन लेके। इसी तरह से कंटिन्यू ये डिजाइन बनाते जाएंगे और बीच में अगर आपको बढ़ाना है डबल क्रोशिया तो बीच में 3 बना लेंगे। ये देखिए, ये मैंने 2 राउंड, एक पहले राउंड में 3 बनाए, फिर 4 हो गए, बीच में मैंने 1 बढ़ा दिया, इसमें नेक्स्ट में 5, फिर 6 7 8, इस तरह से बीच में एक एक बढ़ाते जाएंगे और ये बढ़ते जाएंगे। तो जितनी बड़ी पेटल बनानी है उसी तरह से आप बनाते जाइए, तो और इसे हर एक राउंड में 2 2 डबल क्रोशिया दोनों साइड में बढ़ते जाएंगे और इधर हम एक एक दो दो छोड़ते कर बनाएंगे, जैसे कि ये मैंने छोड़ के बनाया है, ये वाला एक छोड़ा है फिर बनाया है, इसी तरह से हर एक राउंड में छोड़ना भी है स्टार्टिंग में और बीच में बढ़ाने हैं। तो पूरी पेटल में ऐसा ही डिजाइन बनेगा, आप जितने बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस साइड में हमें एक एक डबल क्रोशिया तो छोड़ना ही है, तभी डिजाइन अच्छा आएगा। ये देखिए, तो एक छोड़ के डाल लेंगे, बीच में बढ़ाते जाएंगे, 2 बढ़ाए मैंने इसमें, नेक्स्ट में 3 बढ़ा लेंगे, फिर 4 बढ़ा लेंगे, इस तरह से बीच में बढ़ते जाएंगे और साइडों में छोड़ते जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पेटल हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हम फिनिशिंग के लिए वाइट कलर एक राउंड और लेंगे, वाइट कलर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो
पूरे में ही व्हाइट बना लेंगे। सेम ऐसे ही बीच में दो। फिर दो चेन, फिर बीच में ही दो। तो ये देखिए इस तरह से व्हाइट से फिनिशिंग कर लेनी है। ये देखिए बहुत सुंदर डिजाइन आएगा ये। तो इस तरह से मैं पूरे में फिनिशिंग कर लूंगी व्हाइट की। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से डिजाइन हमारा बनके तैयार हो गया है। ये देखिए बहुत सुंदर डिजाइन है, यहाँ पर मैंने जोड़ दिया है। आप अलग अलग रखना चाहें तो अलग अलग भी रख सकते हैं। अब ये मैंने पेंसिल फ्लावर बनाए, ये मैं इस पर लगाऊंगी बीच में। आप स्टिच करके लगा सकते हैं या चिपका सकते हैं ग्लू गन वगैरह से। ये देखिए यहाँ पर लगा लेने। ये देखिए इस तरह। तो ये देखिए फ्रेंड्स डिजाइन हमारा बन के तैयार है तोरण का। तो इस तरह से आप इस डिजाइन में भी तोरण बना के तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।